Hey, hello everyone. I welcome to Ask Gen Essay. So Nata 2022 forms are out. We are waiting for the last 1 month or ultimately आ ही गए हैं, late आए. So most of the thing remains same for the last year, but कुछ changes हैं जिसको मैं इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन थ्री पार्ट. पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस हैं. सेकेंड पार्ट के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन आए हैं. और तीसरा जो पार्ट होगा इट इज गोइंग टू बी अबाउट द स्ट्रेटजीज कि अगले हमें तैयारी अब कैसे करनी है. ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आप काफ़ी काम की होने वाली है. तो डिस्कस करते हैं. तो कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, इसमें कोई भी ड्राइंग नहीं है. सो पहला तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई है आपकी जो कह रही थी कि ड्राइंग इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी. ड्राइंग इंक्लूडेड नहीं है 2022 वाले एग्जाम में भी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं. इन्होंने ये बोला है अकॉर्डिंग टू दी COA कि जो एग्जाम है इट इज एन अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. जो नाटा है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है दैट असेस द कैंडिडेट इनेट एबिलिटी थ्रू वेरियस थ्रू अ वैरायटी ऑफ द टेस्टिंग फॉर्मेट्स एंड कैन नॉट बी टॉट लर्न और इंड्यूस. इनके हिसाब से ये चीज है कि इनेट एबिलिटी होती है आर्किटेक्चर की तैयारी करना की जरूरत नहीं है. आपको ना तो सिखाई जा सकती है ना आप सीख सकते हैं और ना ही आपको इंड्यूस की जा सकती है. बट अगेन जैसे हमको डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर के बाद, सो यू विल रियलाइज कि इसके लिए आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है. एंड इट इज नॉट जस्ट लाइक 10-15 डेज में तैयारी कर सकते हैं, नहीं, आपको 3-4 महीने की रेगुलर स्टडी की जरूरत है. ठीक है, तो अगर हम बात करें इस बार आपके 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं और तीनों ही अटेम्प्ट आप दे सकते हैं. मतलब आप एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं. तीनों के अंदर हम चेक देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर काउंट होंगे. लेकिन अब आपके पास 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं. लास्ट ईयर तक 2 अटेम्प्ट थे लेकिन इस बार आपके पास 3 अटेम्प्ट होंगे. अगर हम बात करें तो 2022 का जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है इट इज गोइंग टू बी ऑन द जून 12th, सेकेंड अटेम्प्ट 3rd of July एंड 24th of July. तो लगभग 20-20 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 3-3 वीक का टाइम मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है. लास्ट ईयर की अगर हम बात करें इट इज फॉर 2020, ये इसकी भूल जाते हैं क्योंकि बहुत पुराना हो गया. 2020 का भी 21 की डिस्कस करें तो इट इज़ क्वाइट सेम. 125 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी और 200 नंबर का मार्क्स थे. तो अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे इट इज़ सेम थिंग. मुझे लगता है कि सेम स्लाइड उन्होंने कॉपी कर दी है, बस उन्होंने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है. ठीक है, तो लास्ट ईयर भी ऐसा था, इस बार सेम है. तो अगर हम बात करें कि COA ने ऐसा कुछ सैम्पल पेपर रिलीज नहीं करे हैं ना ही करते हैं ये, बट हम इतना सोच सकते हैं कि जब सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको हम लोग एक बेस बनाकर तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस टाइम वी आर हैविंग एन आइडिया कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, फॉर्मेट क्या हो सकता है. ठीक है, ऑल्दो चेंज भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है हम लोग इसी को बेस बना के चलेंगे. अगर हम बात करें एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर BR प्रोग्राम, सो द एबिलिटी द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 5 ईयर BR डिग्री प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 शैल बी एज पर द COA मिनिमम काउंसलिंग रेगुलेशन. सो यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ है, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज पास द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द 10+2 स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन. मतलब आपके पास 12th ऑफकोर्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए जिसके अंदर 50% आपके मार्क्स होने जरूरी हैं. मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर और आपके 50% टोटल परसेंटेज होने जरूरी है. क्लियर, सो आपके जो परसेंटेज अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी 45% है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द COA मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2022 के हिसाब से. ठीक है, सो मार्क इन एग्रीगेट फॉर द 10+2 लेवल एग्जामिनेशन और द पास्ट. अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ 10+3 डिप्लोमा है तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है और उसमें भी आपको 50% नंबर जरूरी हैं. ठीक है, सो कैंडिडेट में इन्होंने कुछ नहीं है और ये हेल्प डेस्क का नंबर डाल दिया मैंने क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाला है आपके, तो देख लेना. फिर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है. तो अगर आप पहला अटैम्प्ट देते हैं तो 20,000 रुपीज़ है, दूसरा अटैम्प्ट देते हैं तो 4,000 रुपीज़, और अगर आप दोनों करते हैं तो 2+1 मतलब एक सेल में लगा हुआ है इट इज़ फॉर 5,400 रुपीज़. तो 5,400 रुपये के अंदर आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं. मतलब एक ऐसी एक टी शर्ट 200 रुपये की है, दो टी शर्ट 2,000 रुपये की, 4,000 की हो गई, और 3 टी शर्ट लेते हैं तो 5,400 की पड़ेगी. अगर आप फीमेल हैं तो 1,500, फिर 3,000, फिर 4,050 रुपये. और अगर आपके पास कैटेगरी है, कोटा है, तो आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा. ठीक है, और अगर बाय चांस आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो फिर आपके 10,000 का फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट 20,000 का, दो अटैम्प्ट मतलब, और अगर तीन अटैम्प्ट करना चाहते हैं 27,000 रुपीज़ का. ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे देन आई विल सजेस्ट यू क्योंकि आपको ये वाला ही भरना चाहिए क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट में भी है और आपके पास एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है. आपकी कुछ गलती हुई है, टाइम आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो यू शुड फील आई लाइक वॉट आई विल सजेस्ट यू. तो आपको तीनों ही अटैम्प्ट में मेरे हिसाब से
करना चाहिए। ठीक है, सो मल्टी पोजिट, और ये बोल रहे हैं प्रोसेसिंग चार्ज है, जीएसटी है, वो आपको खुद देखने होंगे, तो ऑफ कोर्स ये क्यों करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोर कार्ड कैसा होने वाला है, तो देखो अगर आप मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि दिस इज यू, आपने पहला अटैम्प्ट दिया तो आपके 120 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, तो ऑफ कोर्स आपके एक ही अटैम्प्ट दिया है तो आपके 120 ही काउंट होंगे। ठीक है, अगर आपने दो अटैम्प्ट दिए हैं, सेकंड अटैम्प्ट के अंदर यू स्कोर लेट्स से 100 मार्क्स, आपके 100 मार्क्स आए तो आपका 120 काउंट होगा, लाइक दोनों में से जो बेस्ट होंगे वो काउंट होंगे, सो इन दैट केस योर मार्क विल बी 120। अब हम बात करते हैं आपने तीन अटैम्प्ट दिए हैं एंड ऑन द थर्ड अटैम्प्ट यू स्कोर 150 आउट ऑफ 200, तो इस केस में क्या होगा, आपके जो दो हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, लाइक पहला अटेम्प्ट के अंदर आपके 120 नंबर आए थे, दूसरे के अंदर आपके 150 नंबर आए थे, सो योर विल बी 120 प्लस 150 बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज लेके आपका जो मेरिट स्कोर बनेगा उसको लाइक ये होगा 270 बाई 2, तो अगर उसको डिवाइड करेंगे 135 आपका मेरिट स्कोर आ जाएगा। ठीक है, नाटक जितना काउंट होंगे, और यहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ कैंडिडेट अपियर फॉर द टू टेस्ट बेस्ट ऑफ द टू स्कोर शैल बी टेकन एज अ वैलिड स्कोर, अगर हम दो अटेम्प्ट में आपने अपियर हुए हैं तो दोनों में से जो आपके अच्छे नंबर होंगे वो काउंट होंगे, लेकिन अगर आपने तीन अटेम्प्ट हुए हैं सो वैलिड स्कोर शैल बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द टू बेस्ट स्कोर, और आपने तीन अटेम्प्ट में आपने अपियर हुए हैं तो आपके जो दो जिसमें दो अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए हैं उन दोनों का एवरेज ही काउंट होगा। ठीक है, और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 70 हैं, लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर भी 70 थे, उससे पहले 75 हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी बच्चे उड़ गए थे पिछली बार, तो 70 मार्क्स कर दिए हैं, तो आपको 70 मार्क्स तो कम से कम स्कोर करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई नाटा। क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ा चेंजेस है इस बार, बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका एप्टू टेस्ट होने वाला है ये लास्ट ईयर की तरह है, जिसके अंदर कुछ एम सी क्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनको डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रिफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, पी सी क्यूज, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके होंगे एक नंबर के, कुछ क्वेश्चन होंगे दो नंबर के, कुछ क्वेश्चन होंगे तीन नंबर के, और अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू 125 टोटल क्वेश्चन। ठीक है, और 3 घंटे के अंदर, लाइक 120 180 मिनट्स के अंदर, दैट इज 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा, उसके अंदर आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके होंगे एक नंबर के, कुछ क्वेश्चन होंगे दो नंबर के, और कुछ क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं, डायग्रामेटिक रीजनिंग आ सकती है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वर्बल आ सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग, सिचुएशन जजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये क्या होते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर आपसे हम बात करें तो कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, 125 क्वेश्चन कुछ एक नंबर के, दो नंबर के, तीन नंबर के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तीन नंबर के क्वेश्चन आपके 20 आ गए, दो नंबर के क्वेश्चन आपके 35 35 के दो नंबर के क्वेश्चन आ गए, कुछ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आ गए, इट कैन भी 13 क्वेश्चन 3 नंबर के, 49 क्वेश्चन 2 नंबर के, 63 क्वेश्चन 1 नंबर के, और ऐसा भी हो सकता है 25 क्वेश्चन 3 नंबर के, 25 क्वेश्चन 2 नंबर के, और 75 क्वेश्चन 1 नंबर का, सो अल्टीमेटली ये कुछ भी हो सकता है। पिछली बार तीन अटेम्प्ट हुए, तीनों में अलग अलग रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चंस होगा, कुछ ऑप्शंस होंगे, और आउट ऑफ द 3 to 4 to 5 ऑप्शंस वन ऑप्शन हैज टू बी राइट, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे यहां पर है ए इज इक्वल टू 2.1, बी इज इक्वल टू 1.4, अगर आपसे बोलो ए इंटू बी क्या होगा, तो आपको सिर्फ सही ऑप्शन क्या है इसका 2.94, और बाद में ऑप्शन बी सी डी कुछ डिस्ट्रैक्टर हैं, कुछ क्लोज ऑल्टरनेटिव है, ये नॉर्मली एमसीक्यू टेक्निक होती है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें देखो ऐसे आते हैं लाइक आपको ये इमेज दे दी जाएगी, आपसे पूछेंगे कि बताओ ये हाईलाइट वाला पार्ट क्या है, तो 4 ऑप्शन है, एक सेलेक्ट करना होगा, 3 गलत है, 1 सही है, सेम थिंग गोज फॉर इट, यहाँ पर एक इमेज दे दी गई, आपको बताना कौन सी वोल्ट है, क्या है ये, तो आपको बताना है, ऐसे ही सेम फोटोग्राफ दे दी जाएगी, आपको बताना है किस तरह की विंडो है, तो ये बताना है, सेम चीज़ क्वेश्चन दे दी जाएंगे, आपने जितने भी एग्जाम्स देखे होंगे सबसे इजी तरीका होता है एमसीक्यू कराना। ठीक है, आपने बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे, डिस्कस करने का इतना कुछ वो नहीं है। फिर आता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब जैसे नाम से क्लियर है कि इन दैट ऑप्शन यू आर अलाउड टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, ऑप्शन क्वेश्चन होगा, कुछ ऑप्शन होंगे, कुछ ऑप्शन में आपको 2 से 1 से ज़्यादा सही हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास लेट्स से कि विच टीवी चैनल यू वुड लाइक टू प्रीफर, कौन से न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते हो, तो NDTV, ZTV या फिर जो बहुत से आ रहते हैं आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपसे पूछूँ कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, तो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप वीज़ा भी हो किसी के, आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का भी हो, तो आप 2 क्लिक कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
मतलब क्या है, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर जैसे इमेज दी गई है तो उसके अंदर कुछ आपको फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक सिमेट्री है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कंट्रास्टिंग है, रेडियल रिदिम है, बैलेंस है और रिपीटेशन है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करो सिमेट्री तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट सही है, कंट्रास्टिंग है नहीं, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे पर थोड़ा सा चलेगा, रेडियल रिदिम मतलब ही नहीं है, बैलेंस है बिल्कुल है और रिपीटेशन। सो इन दैट केस आई विल चूज रिपीटेशन एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रेफरेंस, लाइक सबसे मेन चीज़ है ये, बाद में बैलेंस को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाकी कौन कौन सही उठाने, तो आपको ये सब चीजें। सो दिस टाइम आई एम चूजिंग मोर देन वन ऑप्शन, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। नाम से क्लियर है, कैसे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर नाटा में? तो ऐसे क्वेश्चन आए थे लाइक आपको इमेज दे दी गई थी, प्लान बेस्ड क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ 8-9 तरह के ऑप्शन दिए गए थे, देन यू हैव टू चूज की गोपरा है, विमान है, टैंक्स है, बाजार है। सो आउट ऑफ द 8 ऑप्शन यू हैव टू चूज द 4, दैट्स ऑफ थिंग कॉल्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर आते हैं प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस, लाइक नाम से क्लियर है, प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है कि आप प्रेफरेंस देते हैं। अभी आपके पास बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और नाटक के आने वाले हैं, अब आप सोच कर देखो आप 12th क्लास में हो तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे तैयारी तो नाटक की भी करनी है और बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, बट आपका एग्जाम बोर्ड्स पहले है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, बोर्ड्स हो गया ऑफ कोर्स। तो यही क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू चेक स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जज करने की एबिलिटी, टू जज करने की जो एबिलिटी उसको चेक करने के लिए, मेजर एस्थेटिक अपेयर डिजाइन बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स। सो इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ऑल दी ऑप्शंस आर जनरली राइट, मतलब क्या है कि जनरली जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो सारे सही होते हैं, ठीक है, गलत नहीं कह सकते उनको, बट वॉट मैटर्स इज देयर डिग्री, कि किस हिसाब से है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी प्रेफरेंस है। जैसे हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया था कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एंड नाटा, तो तैयारी दोनों की ही करनी है, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन प्रेफरेंस कौन सी दोगे आप, फिलहाल के लिए आप देंगे बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स आपके बिल्कुल पास में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन ले सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट ईयर की वीडियो में, कि मैं आपसे पूछूं कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, तो फूड भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, शेल्टर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, बट अगर आप सब पूछा जाए कि प्रेफरेंस क्या देंगे, तो यू विल से कि ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्यों, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, फिर 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वाटर एंड देन फूड एंड देन शेल्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच ऑप्शन शो सिमेट्री, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्किटेक्चर में, तो कौन से में सिमेट्री है, तो आप बोलेंगे इसमें भी यहाँ थोड़ी सी सिमेट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर है क्या, यहाँ वाले पार्ट पर लेके चलता हूँ, दिस पार्ट इज सिमेट्रिकल, थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी है, यहाँ पर भी लेके चल सकते हैं, हाँ लेकिन सिमेट्री कहाँ पर है, अच्छी जो प्रेफरेंस कौन सी रहेगी मेरी, ये वाला पार्ट जो है सिमेट्रिकल है, सो इन दैट केस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, लाइक इमेज दे दी गई है, व्हाट एलिमेंट ऑफ डिजाइन आर प्रोमिनेंट हियर, अब तो पूछा जा सकता है, इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री तो मुझे कहीं भी नहीं लग रही है, स्केल प्रोपोर्शंस यस बिल्कुल है यहाँ पर, रिधम नो, यूनिटी नो, हायरार्की नो, एसिमेट्रिकल बैलेंस इसको बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, तो प्रेफरेंस आई विल गिव टू स्केल इन प्रोपोर्शन देन एसिमेट्रिकल बैलेंस, तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, और ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसा कि विच कलर यू विल प्रीफर फॉर दिस स्कूल, आपको एक आर्किटेक्ट है, आपको स्कूल डिजाइन करना है, तो आपको इंटीरियर्स करने हैं, तो कौन सा कलर आप यूज करने वाले हैं, ब्लू व्हाइट ब्लैक एंड रेड, तो कर तो आप कोई भी सकते हैं, तो प्रेफरेंस कौन सी देंगे आप, सो इट इज क्या ऑप्शन थे, ब्लू व्हाइट ब्लैक एंड रेड, ब्लैक हम करेंगे नहीं, व्हाइट को थोड़ा सा नॉर्मल कलर हो जाता है, रेड हम कर सकते हैं या फिर ब्लू कलर कर सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड योर प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखो अपने डल कर दिया होता तो अच्छा नहीं लगेगा, रेड करोगे तो एनर्जेटिक आता है लेकिन ये कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाती है, सो इन दैट केस यू हैव टू नो अबाउट द थ्योरी अबाउट कलर थ्योरी। चलो ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो आप ब्लू कलर ज़्यादा एफिशिएंट होता है बच्चों के स्कूल के लिए, और ठीक है ब्लू कलर जो है ऑर्डर डायरेक्शन पीस और स्पिरिचुअल को दिखाता है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट पॉजिटिव। तो फिर अगर हम बात करें आगे, सो जस्ट अ सेकेंड, समवन इज कॉलिंग, ओके नाउ लेट्स दिस एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीज आर सम बिल्डिंग्स या मोन्यूमेंट्स हैं, आपको उनकी हाइट के हिसाब से अरेंज करना है, तो आप क्या बोलेंगे, तो यू विल चूज प्रेफरेंस टू दिस वन, नो ये प्रेफरेंस नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चॉइस सबके लिए सेम हो नहीं होती है, बट अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए, एंड देन आईफेल टावर, देन स्टेचू ऑफ यूनिटी एंड देन लोटस टेम्पल, तो यही होने वाला है, तो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैंक बेस्ड क्वेश्चन, आपको रैंक देनी है, कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता है इसमें, देन ऑप्शन ए सी बी डी विल बी द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन कैसे आए थे आपका एग्जाम में? तो आपको सेम चीज दे दी गई थी, एक इमेज दी गई थी, पैटर्न दिया गया था, आर्टवर्क दिया गया था, देर आर सम ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको चार चूज करने थे, ये नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये नाटक का सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट रहा होगा, तो डिपेंड करता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी काउंट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रेफरेंस देनी है क्योंकि इसके अंदर एंट्री कैसे, रिदम, हायरार्की, फोकल पॉइंट, ऑर्डर, फ्लो, रिपीटेशन, कंटिन्यूटी, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो आपको मिल ही जाएगा, बट वॉट मैटर्स इज योर प्रेफरेंस कि आपके हिसाब से ज्यादा कौन सा है तो आप उसको चूज करेंगे। ठीक है, ये 2020 एग्जाम भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसे एक आपको पैटर्न दिया गया था, सम क्वेश्चन इमेजेस ये दिए गए थे, तो आपको बताना था इसमें सिमेट्री है या नहीं। यस सिमेट्री इज देयर, तो यहाँ बोलेंगे सिमेट्री है। ठीक है, कुछ और भी हो सकते हैं, लाइक आपको इमेज दे दी गई है, आपसे पूछा गया, ये सारे नाटक के अटेम्प्ट्स हैं, लाइक ये 2020 का एग्जाम, तो कुछ आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको चूज करना था कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो लाइक 12 है, 13 है, 15 है, 18 है। अगर जिस बच्चे ने 12 मार्क किए होंगे तो उनको 12 नंबर मिले होंगे, जिस बच्चे ने 13 मार्क किए होंगे उनको 17 मार्क्स, जिस बच्चे ने डी मार्क क्या होगा उसको 7 मार्क्स, और सी मार्क क्या होगा उसको एक भी मार्क नहीं मिला। ठीक है, खैर कोई रिएक्शन तो है नहीं चीज़ों के ऊपर, बट चलो। फिर आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो नाम से क्लियर है कि इसके अंदर आपको नंबर वैल्यू फीड करनी होगी। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5, इफ आई आस्क यू कि ए इंटू बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, बट यू हैव टू एंटर दैट वैल्यू, 50 वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, तो वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है जैसे इसके अंदर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अलकनंदा लाइक वॉक 37 किलोमीटर यहाँ से उसने ट्रैवल करा, ये सब चीज़ें, तो आपको एक आपको सिचुएशन दे देंगे कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ जैसे कि दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, आप यहाँ से मूव कर रहे हैं 10 मीटर, आप यहाँ पर गए, फिर आप 10 मीटर आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो 10, उसके बाद आपने क्या करा 10 मीटर और आगे चले गए आप, फिर 10 और आ जाएगा, एंड देन यू विल ट्रेवल 20 मीटर्स ऑन द वेस्ट, ठीक है, फिर आप क्या हो 20 आप नीचे की तरफ आते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट था और जो आपका डेस्टिनेशन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, तो यू विल से 10, तो आपको 10 वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। वीडियो पोस्ट करके एग्जाम्पल देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, लाइक आपको एक दे दी जाएगी कि बताओ इसमें कितने क्या है क्यूब्स कितने, तो आप क्यूब्स काउंट करेंगे, तो लेट्स से द राइट ऑप्शन है 59, तो आपको 59 वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये था कि कुछ ऐसा बनाया गया था, उसमें एक ट्रायंगुलर डाला गया था और पूछा गया था कौन से क्यूब इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ था। फिर या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको एक फिगर दे दी, आप सब बोलेंगे हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, ये जाएगा, या फिर आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपको जैसा कुछ सीरीज दे दी, इसमें आपको बताना था कि विच इज द रॉन्ग नंबर, तो आपको बस नंबर वैल्यू ऐड करनी थी, लेट्स से 104 इज अ रॉन्ग इन दिस सीरीज, तो आपको 104 ऐड करनी थी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक कॉइंसाइड इन अ डे कंसीडरिंग अ डे इन 24 आवर्स, तो आपको वैल्यू ऐड करनी होती है, दैट्स कॉल्ड द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ओके, फिर आता है कि हम देखते हैं सिलेबस में क्या लिखा गया है। सो क्वेश्चन कुड बी आस्क इन वेरियस टॉपिक दैट असेस कैंडिडेट्स ऑन द बेसिक कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, कलर थ्योरी, लेटरल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल परसेप्शन, कॉग्निशन, ग्राफ एंड इमेजिनरी। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री नहीं आता है, लास्ट ईयर तक तो नहीं आया था केमिस्ट्री, इस बार भी सेम पैटर्न है, सेम चीज़ लिखी हुई है, तो आई एम कंसिडरिंग केमिस्ट्री भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, डायग्रामेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंडक्टिव, सिचुएशनल लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इनको एक एक पकड़ कर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। डायग्रामेटिक रीजनिंग का मतलब होगा कि आपको डायग्राम दिया होगा, आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सीरीज, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, तो हम देखेंगे जो ये मून है इस साइड है, फिर इधर के साइड है, फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, सो मतलब क्या है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है ना। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये छोटा फिर बड़ा होता जा रहा है, फिर और बड़ा होता जाएगा, फिर और बड़ा होता जाएगा, सो उसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, तो उसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रीजनिंग। डायग्राम देखने के बाद कुछ रीजनिंग के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इट विल बिकम द डायग्राम रीजनिंग, ईजी है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ होती नहीं, ईजी होती है, और प्रैक्टिस अगेम है ये। फिर आता है ये वाला, तो सेम क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना कि क्या होगा, जैसे इसके अंदर 1 है सर्कल एम टी, फिर 2 वाइट आई, फिर 3 है, तो उसका मतलब क्या होंगे 4 आने वाले हैं, सो देख लो 1 2 3 4, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये नहीं होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा,
फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसा है, ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, फिर राइट की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ। तो उसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। ठीक है, फिर हम जो चेक करेंगे कि ये जो गैप है ये किस तरह ज़्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये विल कम टू द राइट ऑप्शन, देख लेना। तो आपको इसमें बोलते हैं डायग्रामेटिक रीजनिंग, डायग्राम देख के कुछ निकलेगा। फिर आता है न्यूमेरिकल रीजनिंग, कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। होता है ना, इसको स्टैटिक टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि एक ग्राफ दे दिया जाता है। अब आपसे पूछूं मैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप बोलेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2020 में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी जगह, कौन सी सिटी में देखने को मिलेगी, तो आप बोलेंगे लंदन में और मैनचेस्टर में। सो ये क्या होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग होगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है सिर्फ। फिर आते हैं वर्बल रीजनिंग। देखो वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या है कि आपको पैसे दिया होगा, कुछ आपको कंडीशन दी होगी, सिचुएशन दी होगी, और आप दैट सिचुएशन आपको कुछ उसके बेस पर कोई क्वेश्चन दिए होंगे, आपको पढ़ने के बाद इसमें हिंट मिल जाएगा, आपको चूज करना होगा। ठीक है, जैसे कि वीडियो को देख लेना पॉज करके, या चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसको क्वेश्चन डिस्कस करने, तो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे कर लो वीडियो को। सो इवन दो द मिनिमम एज ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर, एज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कार सेल्स ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर हैज रिजल्टेड इन द स्टैगरिंग राइज इन फेटल कार एक्सीडेंट नंबर्स, एज द लेटेस्ट फिगर शोज द फेटल कार एक्सीडेंट्स आर स्पेशली प्रिवेलेंट अमंग यंग ड्राइवर्स हु हैव लेस देन 5 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस। तो बोल रहे हैं कि जो फेटल कार एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन लोगों के साथ जिनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। लास्ट विंटर 50% ऑफ दी ऑल फेटल रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्व ड्राइविंग अप टू द 5 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड एडिशनल 15% वर ड्राइवर हु हैड बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। मतलब जितने एक्सीडेंट हुए 50% जो एक्सीडेंट हुए उनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस था, और जो नेक्स्ट 15 जो एक्सीडेंट हुए हैं टोटल 65% उनको कितना था, सिक्स टू एट ईयर्स। मतलब अगर हम देखा जाए तो 60% जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उन जिनका एक्सीडेंट हुए थे उनका जो एक्सपीरियंस था 6 to 8 ईयर से ज़्यादा नहीं था। द इंटरिम फिगर्स आर फॉर द करंट ईयर शोज दैट द मैसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन फाइट एक्सीडेंट्स हैव रिजल्टेड इन सम इम्प्रूवमेंट, बट द ट्रूथ इज दैट द नंबर ऑफ द यंग ड्राइवर इन्वॉल्व इन द फैटल एक्सीडेंट इज इंटॉलरेबली हाई। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, आपके ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फैटल कार एक्सीडेंट आर मोर प्रिवेलेंट अमंग यंग ड्राइवर विद 6 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देन ओल्ड ड्राइवर विद सिमिलर एक्सपीरियंस। नो, यहाँ पर सिर्फ 15% है जिनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, वो 50% तक है, तो हम बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दी कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कार सेल्स इज द रीजन बिहाइंड द शार्प इंक्रीज इन द फेटल कार एक्सीडेंट। नहीं, ये नहीं है, ये बोल रहा है ना मिनिमम एज ऑफ द ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अ रिसेंट ईयर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कार सेल ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर हैज रिजल्टेड इन स्टैगनेंट राइज इन फेटल कार। हाँ, तो उसको बोलेंगे ट्रू, ये चीज आ गया। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, दी एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉल्ड फाइटिंग एक्सीडेंट हैव फेल्ड। नहीं, ये फेल्ड नहीं हुआ है, ये बोल रहा है ना द फाइट हैज रिजल्टेड इन सम इम्प्रूवमेंट, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन टोटल फेल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसका थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको यह बता दूँ। चलो एक काम करना, मैं बता देता हूँ, फिर अगर आपको नहीं जानना है तो वीडियो 2-3 मिनट आगे कर लो। ठीक है, देखते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग होती है दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडरिंग अ बास्केट फुल ऑफ मैंगो, आपके पास एक बास्केट है उसके अंदर पूरे आम है। वी हैव टू चेक हेयर वेदर द मैंगोज आर रो और राइप, ये कच्चे हैं पक चुके हैं। वी कैन फाइंड आउट दिस बाय द ऑब्जर्विंग द मैंगोज इंडिविजुअली। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास एक बास्केट है उसमें 100 मैंगोज हैं, 100 को निकालो चेक करो। दूसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट वी पिक अप ए मैंगो फ्रॉम द बास्केट एंड ऑब्जर्व इट। हमने क्या करा, एक मैंगो रैंडमली निकाला, उसको ऑब्जर्व किया, सपोज वी फाइंड दैट कि मैंगो इज रो, वो कच्चा है अभी पका हुआ नहीं है। देन वी पिक अप अनदर मैंगो फ्रॉम द बास्केट एंड फाइंड आउट दैट रो एज वेल। फिर हमने क्या करा, दूसरा मैंगो निकाला, वो भी कच्चा है। सो बेस्ड ऑन दिस मेनी ऑफ अस वुड कंक्लूड दैट द मैंगोज इन द बास्केट आर रो। हम लोग क्या बोलेंगे, हम 2-3 मैंगो निकाले और दोनों कच्चे निकले, इसका मतलब क्या है कि कच्चे हैं, पके हुए नहीं है। ठीक है,
सो हेयर वी एग्जामिन्ड अ कपल ऑफ मैंगोज इन द बास्केट एंड अकॉर्डिंगली अराइव एट अ जनरल कंक्लूजन. तो हम लोग ने एक दो तीन रैंडमली हमने चेक करा और एक कंक्लूजन पर आ गए. वी जनरलाइज द आइडिया बाय सेइंग दैट ऑल द मैंगोज इन द बास्केट आर रो. हम लोग बोलेंगे कि जो मैंगोज हैं वो सारे रो हैं. सो बाय ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड द ऑब्जर्वेशन इन ए जनरलाइज टर्म. तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक को ऑब्जर्व करते हैं और जनरलाइज अपना आइडिया देते हैं. दिस अप्रोच ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग. तो हम स्पेसिफिक्स है जनरलाइज चीज को जो बोल देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग. जैसे मान लीजिए क्लास में आप गए, क्लास में आपने देखा कि एक बच्चे के आपने नंबर चेक करे, उसके 100 में से 3 नंबर आए हुए हैं. दूसरे बच्चे के रैंडमली चेक करा, उसके 4 नंबर आए हुए हैं. आपने तीसरे बच्चे चेक करा, उसके 8 नंबर आए हुए हैं. तो आप बोल सकते हैं कि जो क्लास है ये ऐसी है, मतलब यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट नहीं पढ़ते, अच्छे इन द सेंस पढ़ाई में अच्छे, ठीक है. तो हम उसको बोलेंगे कि हमने स्पेसिफिक को सिलेक्ट करा लेकिन हमने जनरलाइज आइडिया दे दिया, ठीक है. नॉर्मली हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसको अपने लाइफ में भी. जैसे आपको भी मार्केट जाते हैं तो अगर आप वेजिटेबल को सर्च करते हैं तो 2-3 को चूज़ करके देखते हैं कि अच्छी है अच्छी है, तो हम लोग बोल देते हैं हाँ डाल दो. सो दैट्स कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है. बहुत ईजी है, मुश्किल चीज़ नहीं होती है. सो इंडक्टिव रीजनिंग इज लॉजिकली ट्रू बट मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने मैंगोज उठाए थे सिर्फ आपने 3 ही वो कच्चे थे, बाकी सब पके हुए थे. ये जो आपने क्लास के जो बच्चे थे वो आपने ऐसे बच्चों को उठाया जो बेकार थे, जो अच्छा नहीं पढ़ते थे. बाकी हो सकता है कि आपने अच्छे लोगों को सिलेक्ट ही ना किया हो, ठीक है, या उनको आपने चेक ही नहीं किया. सो नॉर्मली क्या होता है, ये रियलिस्टिक 100% ट्रू नहीं होता है, ठीक है. स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट टू जनरल आर्ग्यूमेंट. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हम बोले कि मैंगो इज अ फ्रूट, कि जो मैंगो है वो एक फ्रूट है. द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट. अगर हम बात करें कि जो बॉक्स है वो फलों से भरा हुआ है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, द बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगो. तो हम बोलेंगे जो बॉक्स है वो मैंगो से निकला हुआ है. सो इट इज जनरलाइज कंक्लूजन. सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, रॉन्ग. ऑल्दो इट लॉजिकली ट्रू, दोनों भी सही है. इट कैन बी फॉल्स इफ द बास्केट कंटेन्स एनी अदर फ्रूट, लाइक हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है उस बास्केट के अंदर लाइक कुछ और हो, अमरूद हो, एप्पल हो, कुछ भी हो सकता है ना. सो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. फिर होता है डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जनरल आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफिक कंक्लूजन. लॉजिकली ट्रू होता है, रियलिस्टिक भी ट्रू होता है, ठीक है. मतलब क्या है, जैसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट. आपके जो मैंगोज हैं ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है. और ऑल फ्रूट्स हैव सीड. सारे के सारे जो मैंगोज हैं वो फ्रूट है और हर फ्रूट का सीड होता है. इसका मतलब क्या होगा कि मैंगोज विल हैव द सीड. तो ये बोलेंगे जनरल स्टेटमेंट थी और हम उसको जाते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन पर. सो द इन दैट थिंग कंक्लूजन ऑफ बोथ लॉजिकली ट्रू एंड रियलिस्टिक ट्रू, ठीक है. अब बोलेंगे सर ये तो बहुत कुछ हो गया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा चीज़ क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. लाइक इंडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग दैट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न यू ऑब्जर्व. इफ यू ऑब्जर्व अ पैटर्न इन सीक्वेंस यू कैन यूज इंडक्टिव रीजनिंग टू डिसाइड द नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस. और कंक्लूजन यू रीच यूज इंडक्टिव रीजनिंग इज कॉल्ड कंजेक्चर. मतलब क्या है, फाइंड अ पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस, यूज द पैटर्न टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस. तो आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करनी है 1, 2, 4, 7, 11, उसके बाद आपको 3 और लिखनी है. तो क्या आएगा, 2 के अंदर हमने क्या ऐड करा, 2 आया. 4 के बाद हमने 3 ऐड करा, 7 आ गया. 7 के बाद हमने 4 ऐड किया, 11 हो गया. मतलब 2, 3, 4. तो 11 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा. 16 के बाद अब 6 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा. फिर अब 7 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 31, ठीक है. तो आपको ऐसे सीरीज बनानी होती है. दैट्स कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग. और कैसी हो सकती है, लाइक अ डॉट पैटर्न इज फॉर्म्ड. लो हाउ मेनी डॉट्स वुड देयर बी इन द फोर्थ फिगर. तो पहली फिगर के अंदर 1 है, दूसरी फिगर के अंदर 3 हो गया, 1, 3, और यहाँ पर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 में कितना होगा, तो इसमें लॉजिक नहीं होगा. लॉजिक क्या है कि आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो फिर आप इसको बना देंगे, लाइक यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर आएगा इस तरह से, तो आप सारे काउंट कर सकते हैं, ठीक है. मैं तो कितना आएगा, लेट्स सी, लेट मी चूज माई कलर. तो लगा लो यार इसको, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, सेम चीज, 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर काउंट कर लेना, ठीक है. फिर आता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स वुड बी इन द 10th फिगर. तो एक फिगर के बीच में एक डाला हुआ है तो 4 हैं. फिर इसके अंदर आप देखेंगे कितने 2 ऐड हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8. तो 10 में कितने होंगे, तो 10 का मतलब क्या है, ये 10 आप बीच में बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 इधर हैं तो 10 इधर हो जाएंगे, 10 इधर हो जाएंगे, 20 हो गए, 20, 21 इधर हो जाएगा और 22 इधर हो जाएगा. तो आप बोलेंगे 10th फिगर में कितना होगा, 22 आ गए, ठीक है. तो
फिर आते हैं सिचुएशन जजमेंट। आपको सिचुएशन दी जा सकती है और सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना होगा कि इसमें क्या करेंगे आप, या फिर उसकी आपकी जजमेंट क्या बोलती है, ठीक है। और फिर लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको एक दिया हुआ है, उसको पैटर्न बताना है। टेस्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न सीक्वेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द शेप्स एंड इमेजेस। तो आपको देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क इसमें कौन सा आने वाला है, ऊपर की तरफ इधर तो देख, नीचे की तरफ तो आप लगा लेना। सेम चीज़ है, ये पैटर्न दिया गया है, आपको बताना है कि जो ये वाला बॉक्स होगा उसमें आप क्या फिल करेंगे। सो ये भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। फिर और क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, लाइक आपको ये पैटर्न दे दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, तो जैसे लगा लो उसमें सॉल्व भी कर लेते हैं। लेट्स सी कि जो दो सर्कल हैं इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि 2 के बराबर 2 हो गया। ये बता रहा है कि आपके जो टू स्मॉल सर्कल्स हैं इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और दो जो ये हैं 2 स्क्वायर हैं इज इक्वल टू ब्लैंक सर्कल। मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 इज इक्वल टू, मतलब ये जो है एम्प्टी वाले से, ठीक है। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये जो लेक्चर है ये समझाने का नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ, ये है सिर्फ आपको बताने क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें से लगा कर देख लो, ये 2 इसके बराबर हो सकता है क्या, 2 के मतलब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हटा दो। फिर ये और ये बराबर हो सकते हैं क्या, क्योंकि इसका मतलब ही अकेले का मतलब ही 2 से है, तो 2 इधर हो गया, और इसका मतलब क्या कि 400 हो गया, तो 400 ये भी नहीं होगा। और ये है रेड 2 सर्कल, और ये इसका मतलब ये कितने 4 हो सकते हैं, 4 की जगह ये, तब भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्या। और ये इसका मतलब है, इसका मतलब है ये 4, और इसका मतलब है हाँ ये हो तो गया। ये देखो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ब्लैंक है, इसका मतलब क्या, ब्लैंक इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब एक, इसका मतलब क्या, 2 2 है, तो इसका मतलब 4। यस, तो देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर, विल असेस द जनरल नॉलेज एबिलिटी टू यूज इन नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए हो गया, पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे पूछे गए थे उनको डिस्कस करते हैं। सो देखो ये नाटा 1 का है, नाटा 2 है, नाटा 3 है, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जीएसए क्वेश्चन जो आए थे उसमें 5 आए थे 7 और 10। जीएस का मतलब हो गया कि साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस, फिजिक्स के थोड़े से क्वेश्चन आए थे, ये जनरल साइंस में आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री छोटी मोटी आ सकती है बट टिल 10th स्टैंडर्ड तक। फिर मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्वेश्चन आए थे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स के अंदर, लाइक डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एंड, होते हैं ना, 4 आदमी 8 दिन में काम करते हैं, 2 आदमी कितने दिनों काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन, एक गाड़ी इतने से ट्रेवल की स्पीड, उसका एवरेज कितना आएगा। सो ये मैथमेटिक्स डायरेक्टली, वैसे +1 +2 मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज अबाउट दी मैथमेटिक एप्टीट्यूड, इसको डिस्कस करेंगे अभी। फिर इंग्लिश अच्छी खासी पूछी गई थी, लाइक 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर आर्किटेक्चर वोकेबुलरी और स्ट्रक्चर शेप, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 4 2 2 4 2। फिर आर्किटेक्चर बिल्डिंग टाइप्स एंड डिफरेंट कंट्रीज, तो ये पूछे गए थे, इन्वायरमेंट एंड मानसून के ऊपर पूछे जाते हैं हमेशा, करंट अफेयर के 2 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी गई थी, फिर जीके, तो ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 6 9 फ्रीक्वेंसी, 8 मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बाद में नहीं आए। कलर थ्योरी के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो आप कलर थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है एलिवेशन शेडोज, लाइक जो आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के लिए करते हो अपना जेई की तैयारी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्लान, एलिवेशन, मिरर उरर, ठीक है। फिर आते हैं प्लान बेस्ड क्वेश्चन, प्लान बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको एक प्लान दे दिया गया था इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का, उसके बारे में आपको उसके फीचर्स बताने थे, ठीक है, जैसे मदुरई टेम्पल है, उसके फीचर्स आपको बताने थे कि यहाँ पर मार्ग बाजार लगता है नहीं लगता है, विमाना है या नहीं है, टैंक है या नहीं है, फतेहपुर सीकरी के प्लान के बारे में डिस्कस किया गया था। तो नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में आए थे, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे। सो वी हैव नो आइडिया कि आइदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इट और नॉट, क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी लास्ट टाइम फिर भी। फिर फेमस लोगों के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, 4 2 4, फेमस पेंटिंग 4 5 6, तो पेंटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। सिचुएशन जजमेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, पहले 2 अटैम्प्ट में एक एक आया, फिर बाद में छोड़ दिया उसको। फिर इंपॉर्टेंट डेज भी नहीं पूछे गए बाद में। रिडल्स के ऊपर स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन आए रिडल के ऊपर, रिडल एंड पजल्स बाद में नहीं आए। फिर डिफरेंसेज बिटवीन 2 इमेजेस, आपको 2 इमेज दी गई थी, उसमें आपको डिफरेंसेज बताने थे कि इसमें होता है ना बच्चों वाली काम, सो 2 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको एक इमेज दे दी जाएगी एंड यू आर गिवन, यू विल बी गिवन टू 30 30 सेकेंड्स
एंड आफ्टर 30 सेकंड यू हैव टू ऑब्जर्व सम थिंग्स एंड दे विल आस्क यू एंड देर द क्वेश्चन विल बी टू एंड द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज। वापस नहीं जा सकते हो, इमेज आना देख लिए 30 सेकंड के लिए, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना था। परस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और मिसलिनियस जो हम किसी भी पार्ट में नहीं डाल सकते हैं ये पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आपको अगर हम बात करें सो दिस इज द थिंग जो आपको कैसे तैयारी करनी है हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमें डिस्कस किया गया है कि पेपर जो पैटर्न कैसा होने वाला है और फॉर्म में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। 50% आपकी होना जरूरी है आपकी परसेंटेज, और आपके 3 अटैम्प्ट हैं, तीनों के तीनों दे सकते हैं, 3 दोगे तो सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, और कैसे आपके नंबर काउंट होंगे वो सब चीज़ हम डिस्कस कर ली। नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग, दैट्स कॉल दी स्ट्रेटजी। लेकिन स्ट्रेटजी से पहले एक बार काम करते हैं, लेट्स चेक दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि पेपर कैसे आते हैं। यस, कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं, लाइक आपको जीके क्वेश्चन आए थे, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, मिनिमम हाइट मिरर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फिर कंजर्वेशन जेट इंजन वर्क कैसे काम करता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। सो ये आपको जीके क्वेश्चन हैं और ये जनरल साइंस क्वेश्चन हैं, एक्चुअली जीएस के क्वेश्चन हैं एंड 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछे गए थे कि ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, फिर ये पूछा गया था ना ज्योमेट्री से रिलेटेड कितने एंगल होंगे ये आप जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड मे नॉट बी जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग प्लेन सरफेस अलोंग एन एक्सिस। तो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए थे। फिर अगर हम बात करें तो आपसे फिर इंग्लिश के पैसेज पूछे गए थे, आपको पैसेज दिया गया था एंड यू हैव टू के 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चन दिए गए थे और चारों में सा आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे एमसीक्यूज, उसको चेक करना था। फिर कुछ ऐसा पूछे गए थे कि सिमुलेशन ग्रेन और सॉल्ट, तो इसमें से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था। फिर आपको कुछ ग्रामर के लिए पूछे गए थे, लाइक आपको एक लाइन दे दी गई है उसके अंदर बताना था कि अ सेंटेंस गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इज इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव टू द इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन पार्ट विच यू मे इम्प्रूव द सेंटेंस। मतलब आपको थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में पूछा गया था, ग्रामर से रिलेटेड हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन इन हो सकता है, ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है। आपको पैसेज से कुछ क्वेश्चन बनाने थे, आर्टिचर वोकेबलरी क्वेश्चन आए थे, आपको इमेज दे दी गई थी, पूछा गया था क्या चीज़ है, ये चीज़ पूछी गई थी। फिर आप पूछा गया था विंडोज, इनको विंडोज क्या बोलते हैं, ये आर्टिचर कहाँ का है। फिर आपको जी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट फेमस फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आई नॉमिनेटेड फॉर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 इंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। फिर ये मानसून के ऊपर क्वेश्चन आए, कितने परसेंट रेनफॉल होती है, ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। फिर ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट फ्रॉम द गिवन, आपको बताना था कि जो मॉन्यूमेंट सबसे पुरानी कौन सा मॉन्यूमेंट है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा गया था टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में पूछी गई थी, हैव द मोस्ट फॉरेस्ट कवर, तो ये नॉर्मली जीके का पार्ट आ गया, करंट अफेयर भी इंक्लूडेड था, ठीक। और कौन सेल 22nd ऑफ मार्च को, 22 मार्च को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एप्टीट्यूड वाले। फिर आपको बताना था सीक्वेंस वाले क्वेश्चन की अगला कौन सा सीरीज आने वाली है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग क्वेश्चन आए थे, ये आपके सिचुएशन जजमेंट क्वेश्चन था, अ फॉर्मल गैदरिंग अकर्स व्हेन ग्रुप ऑफ द पीपल गेट टुगेदर इन क्वेश्चन, तो ये आपको बताना था। फिर आपको वोकैबुलरी के बारे में पूछे गए थे कि इसको कौन सा है, सो इट इज कौन सा गोथिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, फ्लाइंग बटरसेस, रोज विंडोज, पॉइंटेड आर्चेस। फिर आपको बताना था ये किसका प्लान है, एम्फीथिएटर का है ये। फिर आपको फसल कलर स्कीम बता दी, लोगोस के बारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हियर यू कैन सी द लोगोस क्वेश्चन। फिर आपको एलिवेशन इस तरह के पूछे गए थे, इट्स बेस्ड ऑन द एलिवेशन, ये लोगो, फिर अगेन ये क्या चीज़ है, रूल ऑफ थर्ड है क्या है, सो इट्स अ फिबोनाची सीक्वेंस है। फिर आपको बताना था कि ये कौन से स्काई लाइन है किसी भी सिटी की। फिर ये कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन थे ये, तो फिर एलिवेशन प्लान इंटरसेक्शन में क्या बनेगा, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आए थे थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के, इमेज दे दी गई थी एंड देर आर सम ऑप्शंस, आपको बताना था कौन सही है, सेम थिंग वॉज फॉर इट, ठीक है। फिर पेंटिंग के ऊपर आए थे, एक्शन पेंटिंग का मतलब क्या, कौन सी सुरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। फिर ये पेंटिंग्स के क्वेश्चन आए थे, कलर स्कीम, फिर आपको बताना था कि इसमें जो ऑप्शन है वो 4, 4, 6 और 7 कौन सा कलर डालेंगे। सो थोड़ा सा कलर थ्योरी का है लेकिन लॉजिकली है। यहाँ पर डाले गए थे आपको रिडल्स, पहली यहाँ टाइपिक क्वेश्चन आते हैं कि लाइक जैसे इफ़ द इलेक्ट्रिक कार इज मूविंग फ्रॉम अ मूविंग नोड एट 10 मीटर पर आर्स
एंड वाई विंड इज ब्लोइंग टू द वेस्ट ऑफ 10 मीटर पर आवर, विच डायरेक्शन डज दैट स्मोक ब्लो, तो बताना है कौन से डायरेक्शन में आपको स्मोक जाएगा। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक कार के अंदर स्मोक होता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे नो डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर ये सेम चीज़ अब डिस्कस की थी हम लोगों ने, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करनी थी। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि इसका एरिया निकालना था, तो अगेन इजी क्वेश्चंस हैं। मार्क द शेप ऑफ द बिलो, तो हाउ मेनी ब्लॉक्स, आपको बताना था कितने ब्लॉक्स हैं इसमें, तो लाइक से 20, तो ये आपको एंटर दैट 20 वैल्यू, ठीक है। फिर आपको बताना था कुछ इमेज दी गई थी कि कुछ डिफरेंट था, लोकेट दी हिडन टेडी बियर, आपको उस पूरी पूरी इमेज में टेडी बियर कहीं मिल जाएगा, आपको बताना था कि कौन से उसमें है। लेट से कि मुझे अब तो याद भी नहीं आया कहाँ पर था, लेट से ये वो टेडी बियर है हमारा, तो हम उसको बोलेंगे R3 में, तो R3 के अंदर टेडी बियर आ जाएगा, आपको ऐसा मार्क करना था। सेम चीज़ जैसे ये है कि लोकेट दी ओल्ड इमेज, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच लोकेटेड, जैसे कि कहाँ पर है ये, जैसे ये है, ये ओड है, सब में डी डी लिखा हुआ है, इसमें ओ लिखा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, E5, मतलब E/5, आपको ये वैल्यू ऐड करनी थी, ठीक है। फिर ये चीज़ आएगी आती है, ये भी TOD क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये पेंटिंग क्वेश्चन है, पेंटिंग का नहीं है मेरे भाइयों, ये सिर्फ TOD का है। इस इमेज के अंदर देखकर बताना था टेक्सचर स्केल सिमेट्री धम है या नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन फॉर गॉस फॉर इट, ये भी ऐसा चीज़ें आई थी। फिर ये थे प्लान बेस्ड क्वेश्चन, आपको प्लान दे दिया गया था, आपको 8-9 चीज़ें थी, उसमें से आपको 3 या 4 सेलेक्ट करनी थी कि क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है सेंट पीटर्स बेसिलिका, तो यहाँ पर बताना था कि शॉपिंग एर्केड है या नहीं है, नहीं है, कॉलोनेट है, हाँ है, ओबेलिस्क है, डोम नहीं है, एवेन्यू लैंडस्केप गार्डन पोर्च है, तो वाटर बॉडीज कहने के लिए हैं लेकिन काउंट नहीं होती। फिर जवाहर कला केंद्र के बारे में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन थे आपको डिफरेंस बताना था कि इन दोनों इमेज को थोड़ा ऑब्जर्व करके कितने डिफरेंसेज हैं, तो अगर आपको लगता है कि 5 डिफरेंसेज हैं तो आपको मार्क करना था, ठीक है। फिर ये आपको ऐसे इमेजेस दी गई थी, इस इमेज के अंदर क्या था कि आपको 30 सेकंड के लिए इमेज ऑब्जर्व करनी थी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन कैसे थे लाइक 30 सेकंड आपको सिर्फ ये इमेज दिखाई देगी, एंड आफ्टर 30 सेकंड क्या करेंगे आप कि हाउ मेनी बेंचेज आर देयर इन दी पार्क, कितनी बेंचेज हैं इस पूरे पार्क में, तो आपको थोड़ा देखना था कि 1, 2, 3, 4, सो लेट्स से 4 बेंचेज आर देयर, और 5 भी बोल सकते हैं बेंच है या नहीं, चल खैर, तो हम इसको बोलेंगे 4 बेंचेज आर देयर, तो आपको एक क्लिक करना था, मतलब आपको इमेज दे दी जाएगी, उसके बाद आपको इमेज चली जाएगी, फिर आपको रिकॉल करना होगा हाउ मेनी ओल्ड पीपल आर इन देयर इन द पार्क, तो आपको देखना भी था कितने बूढ़े लोग हैं, कितने यंग लोग हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। ऐसा पैटर्न भी दे दिया गया था, ये पैटर्न कुछ ऑब्जर्व करना था, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आए थे और ये इसके आंसर किए। सो मैं आपको माई मोटिव टू शो यू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इज दैट कि द सिलेबस इज सेम, नाउ द पैटर्न इज सेम, तो वी कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, देख कर बता सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। अगर हम बात करें कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक करो आप, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा पेपर कैसे आते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बहुत एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होना तो मस्ट है क्योंकि सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी सेम है। फिर क्या काम करना है आपको, जब तक आपको टर्मोलॉजीज नहीं पता होंगी, एवरेज टर्मोलॉजीज, आपको थ्योरी डिजाइन के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर नहीं पता होगा, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेसिक चीज़ पढ़ ली, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि गोथिक आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या हैं, गोथिक आर्किटेक्चर कैसा स्टार्ट हुआ, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोरोक आर्किटेक्चर कैसा होता है, या फिर रोमन आर्किटेक्चर क्या है, ग्रीक आर्किटेक्चर क्या है, एंड सिविलाइजेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें डिटेल पढ़नी पड़ेंगी। थ्योरी डिजाइन के अंदर क्या आता है, वैसे हमने सीरीज चलाई हुई है लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिमेट्री, एसिमेट्री, रिधम, हायरार्की, रूल ऑफ थर्ड्स, फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशो, ये सब चीज़ जानकारी होना जरूरी है। फिर आता है कलर थ्योरी, कलर थ्योरी के अंदर कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कलर व्हील क्या होती है, वार्म कलर, कूल कलर, और कलर साइकोलॉजी, फिर इल्यूजन्स, इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, कैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या दिक्कत आती है, बिल्डिंग कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, ये आप करना है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए थे, 9-10 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो जनरल साइंस मतलब आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस की, उससे काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा आपको, लेकिन आपको 10th लेवल तक की जनरल साइंस के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। फिर आता है रिडल और पजल्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे, सेकेंड और थर्ड में नहीं पूछे गए थे, सो इट माइट बी पॉसिबल कि दोबारा आपसे ना पूछे जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो नेट पर चेक करोगे मिल जाएगा आपको, और कुछ एप्लीकेशन भी आती हैं लाइक फाइंड द डिफरेंस, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको दो इमेज दे दी जाएंगी, आपको डिफरेंस करना है, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा ही ऑफकोर्स, तो आपके पास एंड्रॉयड है या फिर iOS है, तो आप चेक करोगे तो यू विल गेट मैनी फ्री एप्लीकेशंस ऑन गूगल प्ले स्टोर और दी एप्पल आईट्यून्स, तो
तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों काम के लिए ये सब चीजें यहाँ से हो जाएगी। ये प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि 5-10 मिनट दे दिया करो इन चीज़ों के ऊपर, कि आप डाउनलोड कर लो वहाँ से, देखते रहो और क्या करो। फिर आता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे एक इमेज दे दी जाएगी एंड दे विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व द इमेज एंड देर विल बी टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी का मतलब क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैसे इंप्रूव होंगे, कोई भी आपने कोई पैटर्न देखा तो ट्राई टू ऑब्जर्व इट एंड डू दिस प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। ये मत करो कि मैंने आज कर लिया फिर एग्जाम से पहले करूंगा, नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो 5-10 मिनट डेली के भी करोगे समय आ जाएगा। अपने घर में देखो, जहाँ पर आप बैठे हुए हो आसपास क्या चीज़ें हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व इट, 30 सेकंड ऑब्जर्व करो और उसको फिर आंखें बंद करो, ट्राई टू रिकॉल इट। कि लेट्स से कि अगर पेंटिंग है, पेंटिंग को देखो, उसमें देखो ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, फिर रैंडमली आप ट्राई करो रिकॉल करने की। तो दिस इज द टेक्निक, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। प्लान बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं हमारी, और आप जो प्लेलिस्ट 2021 के लिए थी वो परफेक्टली आपके लिए बनी हुई है, ऐसा मान के चलो। क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न भी सेम है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखो, क्योंकि जो पैटर्न बनाए गए थे, जो क्वेश्चन बनाए गए थे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हुए और हम लोगों ने उनको डिस्कस भी किया था। पेपर आने के बाद काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर की जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके आज भी उतने ही काम के हैं। ठीक है, लास्ट ईयर प्लान बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सो हो सकता है कि इस बार पूछें या ना पूछें, चांसेस कम हैं। फिर आता है कि इंग्लिश पैसेजेस। तो इंग्लिश पैसेज का मतलब क्या है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ 4-5 क्वेश्चंस होंगे। ये भी क्या है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ से इंप्रूव हो जाएगी, या अभी आपके 2-3 महीने हैं तो ट्राई टू डू सम पैसेजेस। और मैं ट्राई करूँगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं कुछ टेस्ट सीरीज आपकी इंग्लिश के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की। ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपको सपोर्ट करना भी होता है, कि वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो। ठीक है, तो फिर आता है मैथमेटिक एप्टीट्यूड, लाइक डिस्टेंस एंड स्पीड के जो आते हैं, फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, फिर एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैथमेटिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ये 10th लेवल का होता है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्वेश्चंस कुड बी आस्क इन वेरियस टॉपिक दैट असिस्ट कैंडिडेट टू बेसिक कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, कलर थ्योरी, लेटरल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल, एंड लास्ट में पूछा गया एंड आर मे नॉट लिमिटेड टू दीज आउटलाइंस। और कुछ और भी हो सकता है, करंट अफेयर भी आएगा आपके पास, जीके भी आएगी, और बिल्डिंग मटेरियल भी आएगा, फिर वोकैबुलरी भी आने वाली है। ये काम करो, देखो अभी तक इतना आइडिया लग गया होगा कि जो पैटर्न है बहुत ही वास्ट है, इसके लिए आपको डेडिकेटली तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी जरूरत है इन चीज़ों के लिए, कि आपको पता तो हो क्या पढ़ने वाले हो। ये जैसा पैटर्न बनाया जाता है उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है नॉर्मली स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने आपसे पहले रिकमेंड किया है कि पहले चेक करो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द प्रैक्टिस, और इसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, प्लान बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड द डिफरेंस, पजल्स, जनरल साइंस, ये चीज़ 4-5 चीज तो आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जनरल साइंस आप उसको 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी है वहाँ से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, वो पढ़ लेना, 9th क्लास भी तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। फिर आता है कि टर्मोलॉजीज, ये यहाँ पर आपको डेडिकेटली तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब कम टू द थिंग, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स प्लस है, जिसके अंदर आपकी जुलाई एंड तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि नाटक का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, सेकंड अटैम्प्ट हुआ, थर्ड अटैम्प्ट हुआ, जब तक आपके नाटक जे के अटैम्प्ट नहीं हो जाते हैं आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। सो वी आर हैविंग 5 क्लासेस पर वीक। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8 कलरफुल बुकलेट्स मिलेंगी आपको, जिसके अंदर हिस्ट्री की बुकलेट होगी, कलर थ्योरी की है, क्वेश्चन बैंक होगी, करंट अफेयर है, प्रॉम्प्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, जो मेजर टॉपिक हैं आपके नाटा में, वो आपको बुकलेट फॉर्मेट में यहाँ पर मिलेगा। और ये कोई ऐसे नॉवल बुक नहीं है, एंड साथ में नाटा सेल्फ गाइड बुक भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, नाटा सेल्फ गाइड बुक। नॉर्मली ये है नाटा सेल्फ गाइड बुक, ये हमने करीब 2 महीने पहले लॉन्च की थी, एंड वी हैव अराउंड मोर देन 400 कॉपी सोल्ड आउट। तो 400 कॉपी ज़्यादा बिक चुकी है, एंड हम इसकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करते हैं। द रीज़न इज कि वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, जो हमारी कॉस्टिंग आती है हम लोग उसी कॉस्ट पर इसको दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कलर प्रिंट आउट। बिना कलर प्रिंट आउट के ब्लैक एंड व्हाइट पे ये चीज़ हो नहीं सकते हैं, लाइक हाउ कैन आई टीच यू दी कलर थ्योरी क्वेश्चन इन दी ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, या फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके अंदर कलर का ही गेम है सारा का सारा। तो यस वी नो कि जो कॉस्ट है इसकी 1000 के आसपास है, ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग कि किस लेवल पर प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ रही है हम लोगों को।
लेकिन ये सब लोग मानते हैं कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 1000 रुपीज़ किसी बुक के थोड़े से हिसाब से, क्योंकि मेहनत लगती है, कलर प्रिंट आउट सब वाली बात ठीक है। सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि अगर हम किसी के साथ कोलोब्रेशन करके इसको बुक की कॉस्टिंग हम लोग कम कर पाएं, मे बी थोड़ी मार्केटिंग हो जाए। बट अगर आप एक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप genesis.com पे जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक है, अराउंड 400 कॉपी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन जस्ट कंप्लेंटेड, कभी भी किसी बच्चे ने हमें कंप्लेंट नहीं की है, कुछ कमी नहीं निकाली है। ऑल दो हम लोग उसे मार्केटिंग करते नहीं हैं, बट आई विल ट्राई टू एड सम स्क्रीनशॉट हेयर, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि इसका रेस्पॉन्स कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो www.arcgenesis.com पर जाएंगे, वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो क्रैश कोर्स है, हम उसकी बात कर रहे थे, तो आपको कलर बुकलेट मिलेंगी, नाटक सर्व गाइड बुक यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। फिर लाइव कम रिवीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेज होंगी, 4 to 5 क्लासेज पर वीक होंगी, और प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद साथ में मॉक टेस्ट भी होंगे। मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी 30 मॉक टेस्ट, हमने बढ़ा दिए हैं क्रैश कोर्स प्लस के। ठीक है, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर यहाँ पर मेल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू एनी क्वेश्चन, इफ़ यू एनी क्वेरी, सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे तैयारी करनी है। कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, तो मैं उसके ऊपर या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड दी नाटा एग्जाम, एंड आई होप कि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और आपके जो ड्रीम कॉलेज है आपको इजीली मिल जाए। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।